मैं अब उंगली में रख के दिखाता हूँ आपको कि कितनी उंगली जाएगी। तो दूध वाली लाख का कड़ा, दूध वाली में एक आठ चूड़ी वाला कड़ा और एक प्लास्टिक में दूध वाली का कड़ा और एक प्लास्टिक वाला। नमस्कार सभी दर्शकों को, बेंगल्स वाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज मैं लाया हूँ एक नई ट्रिक, मतलब दो दुवानी, दो दस और दो बारह, ये साइज कौन से होते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। सिर्फ अपने इस हाथ की हेल्प से अपन कैसे इसको मेजर करेंगे कि कौन सा साइज कैसा है, ये आप इजीली घर पे ही या कहीं शॉप पे जाते तो आप सिर्फ उंगली डाल के उसको देख सकते हैं। तो पहले मैंने दो चार, दो छः और दो आठ, ये साइजों का मैंने आपको बना के बताया वीडियो, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत सारे व्यूअर कमेंट कर रहे थे कि दो दस और दो दुवानी और ये दो बारह साइज कौन सा होता है ये भी बताएं, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे दो दस और दो बारह और दो दुवानी साइज का मेजरमेंट हम लेते हैं। पहले मैं स्केल से बताऊंगा। यहाँ पे मैंने कड़े के बॉक्स ले लिए हैं, ये ले लिया है, ये एक बारह मतलब दो बारह लिखा हुआ है, दो बारह बहुत बड़ा साइज होता है, ये दो दस का साइज है, दो दस साइज का कड़ा ले लिया है। इसके अलावा दो दुवानी का एक लाख का कड़ा, दो दुवानी में एक आठ चूड़ी वाला कड़ा और एक प्लास्टिक में दो दुवानी का कड़ा और एक प्लास्टिक वाली चूड़ी का यहाँ पर मैंने सैंपल ले लिए हैं यहाँ पर ये सब। तो इन साइजों को मैं बताऊंगा आपको मेजर करके। सबसे पहले यहाँ पर दो बारह का एक मैंने साइज रख लिया है कड़े का, इसको हम स्केल की हेल्प से साइज करते हैं मेजर। तो ये सेंटीमीटर में आ रहा है 6.7 mm, तो ये दो बारह का साइज होता है। इसको हम उंगली में डाल के देखेंगे, ये दो बारह का साइज है, इसको उंगली में मेजर करेंगे तो ये चारों उंगली जो है अपने हाथ की, जो चारों उंगली जब इसमें फंस जाती है या थोड़ी सी फंसती है तब ये दो बारह साइज होता है। इसको आप रिमेम्बर कर लीजिए, जब हम चारों उंगली इसमें फंसती है तो ये दो बारह का साइज होता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको दो दस का साइज, ये वाला जो कड़ा है ये दो दस की साइज का कड़ा है। इसको जब मेजर कर रहे हैं तो इसमें 6.3 mm आ रहा है इसका अंदर का जो व्यास है। तो इसका जो डाइस, मतलब डाइस जो है इसका, वो 6.3 mm आ रहा है, मतलब उसका 6.6 mm था, तो दो तीन एम एम का ही फर्क रहता है हर साइजों में। तो इसका जो है, अगर इसको उंगली डालते हैं तो यहाँ पर चार उंगली में एकदम फंस रही है और एक, मतलब चार उंगली में एकदम से फंस रही है ये। इसको मैं स्पेशली बता रहा हूँ, ये देखो मेरी चपटी उंगली जो है छोटी वाली, ये इसके ऊपर जा रही है, एकदम फंस रही है। और दो बारह में है पूरी साइज, चारों उंगली अंदर पूरी इजीली जा रही थी। तो दो बारह और दो दस में थोड़ा सा अंतर ये है 3 mm का। अब मैं आपको दिखाता हूँ दो दुवानी वाले कड़े। यहाँ पे मैंने दो दुवानी में एक ये कड़ा लिया है लाख का, एक ये चार चूड़ी ली है लाख की और एक प्लास्टिक में लिया है सीप की, ये दो दुवानी में, और एक प्लास्टिक का कड़ा लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये चार तरह से डिज़ाइन मैंने लिए हैं आपको दो दुवानी समझाने के लिए। अब हम इसको स्केल से मेज़र करेंगे। सबसे पहले यहाँ मेज़र कर रहा हूँ तो ये 5.5 mm, 5.5 cm के ऑलमोस्ट आ रहा है, 5.5 cm या उससे 1-2 mm कम। जैसे लाख के कड़े में 5.5 cm के बराबर ही आ रहा है ये, 2.5 से 2 mm कम, ये 5.5 से 2 mm कम आ रहा है। लेकिन प्लास्टिक में अगर अपन देखें तो ये नेट 5.5 आ रहा है चूड़ी में, क्योंकि चूड़ी जो है थोड़ी पतली होती है। अगर इसी का दो दुवानी वाला कड़ा लेते हैं प्लास्टिक का या सीप का, तो वो 5.5 से 1-2 mm कम आ रहा है। तो हर एक का डाइस भी थोड़ा सा, मतलब जो इनकी डाई रहती है चूड़ी बनने की, किसी कारीगर की अलग रहती है, किसी कारीगर की अलग रहती है, उस हिसाब से इसका 1-1, 2-2 mm ऊपर नीचे होता है। वैसे उसका ज़्यादा मेज़र नहीं रहता है, हाथ भी फ्लेक्सिबल रहते हैं महिलाओं के या लेडीज़ के, तो इजीली आ जाता है। ये 5.5 mm नेट आ रहा है, तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि दो दुवानी या कौन सा भी साइज लें तो उसमें 1-2 mm ऊपर नीचे होता है उसका, दो दुवानी का, दो चार का, दो छः, दो आठ, किसी में भी अपन अगर जाए तो 1-2 mm ऊपर रहता है, एकदम एग्जैक्ट आता तो नहीं। तो इसको मैं अब उंगली में रख के दिखाता हूँ आपको कि कितनी उंगली जाएगी तो दो दुवानी साइज होगा। यहाँ पे मैंने लाख की चार चूड़ी ले ली है, इसमें हम अब हमारी फिंगर्स डाल के देखेंगे। तो ये तीन फिंगर्स यहाँ पे जा रही है, वो भी बहुत इजी नहीं जा रही, टाइट पड़ रही है। मतलब ये जो अपना हिस्सा रहता है उंगली का, ये वहाँ पर एकदम टाइट हो गया है। मतलब ये तीन उंगली ही अंदर जा रही है, पर वो भी बहुत टाइट हो रही है। तो वो दो दुवानी होता है, मतलब एकदम टाइट रहती है, सवा दो में थोड़े से, मतलब तीन उंगली पूरी इजीली अंदर चली जाएगी, वो सवा दो होता है। दो छियानी में वही तीन उंगली में थोड़ा सा गैप रहता है, ये मतलब थोड़ी सा है। इसी को मैंने प्लास्टिक का ये वाला कड़ा लिया है, इसमें इंटर कर रहे हैं तो ये भी बहुत टाइट हो रही है। देखिए यहाँ पर एकदम दोनों उंगली की तरफ यहाँ पर एकदम घिसाव महसूस हो रहा है। ये दो दुवानी का साइज है। इसी को अगर मैं प्लास्टिक की चार चूड़ी के अंदर डाल के देखूँ उंगली को, तो यहाँ पे इजीली मूव हो गया, क्योंकि 1 mm थोड़ा सा बड़ा था, 5.5 mm नेट था, इसलिए ये वो बाकी 5
एमएम 5 सेंटीमीटर और 4 एमएम के लगभग थे वो वाले कड़े, और ये 5.5 एमएम नेट इसलिए इजीली जा रही है, वो प्लास्टिक में इतना इजी जाता है, प्लास्टिक थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है, लाख थोड़ा कड़क रहता है। और लाख के ये कड़े हैं दो दुआनी के नाप के, इसमें भी मैं उंगली डाल के आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देखो उंगली मेरी फंस रही है, तो इस हिसाब से इसको मैं शो करूँगा ये दो दुआनी का साइज कैसा रहता है। तो आज मैंने आपको 2 दुआनी 2 10 और 2 12 ये साइज जो स्पेशल साइज होती है 2 10 2 12 ये बहुत कम हमारे एरिया में चलती है, और इनके लिए बहुत बड़े हाथ जो रहते हैं, जिन लेडीज़ के बहुत मोटे हाथ रहते हैं उनके लिए ये वाली चूड़ियाँ चलती है। तो आज के लिए मैंने आपको तीनों साइज के बारे में बता दिया है, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।